Khanda pipilli kanta tanu vrit su drimbhamana sputam Jagra swapna susupti bhashakataya sarvatraya dibhyati Sadevi jagadambika bhagavati Sri Raja Rajeshwari Sri Vidya Karunanidhi Shubhakari Bhuya Sada Sreyase Anandam Anandakaram Prasannam Jnanashwarupam Nidabodharupam Yogindramidyam Bhavarogavedyam Srimad Gurum Nityamaham Bhajami Srinathadi Guru Trayam Ganapatim Pithatrayam Bhairavam Siddhogam Batukatrayam Padayugam Duti Kramam Mandalam Biran Dashta Chatuska Sashtinavakam Biravali Panchakam Sriman Malini Mantaraj Sahitam Bande Gurur Mandalam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Shakshat Param Brahma Tashmai Sri Gurve Nama Vande Guru Padadvandvam Abang Vanash Gocharam Rakta Sukla Prahamisram Atarkyam Teipuram Maha Narayanam Padmabhuvam Vashishtam Saktin Chatatputra Parasharansa Vyasham Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathashya Shishyam Sri Shankaracharya Mathashya Padma Padam Chahastamalakanta Shishyam Tam Trotakam Vartika Karamanyan Ashmad Gurun Santatamanatosmi. इस गुरु बनना के पश्चात यहाँ जितने भी विद्यमान गुरुजन बैठे हैं आज के अध्यक्ष महोदय देवर्षि कराना शास्त्री जी प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी महामंडलेश्वर का दर्शन करने वाले जो बाहर से आए संत ज्ञानेश्वर पुरी जी और सामने जो मेरे विद्यमान संजय गोस्वामी जी और अन्य जितने भी लोग हैं ये सब उस ईश्वर का परमात्मा का अंश है क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब में मैं हूँ ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति तो सब में मैं हूँ और सब मेरे में है तो ऐसे इन सबको मैं प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। आज जो है गीता जयंती है, गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है कि इस दिन गीता का वचन कहा गया। पुरी जी ने कहा कि पुस्तकों की जयंती कब से मनती है, तो गीता को हम क्या पुस्तक माने या नहीं माने, गीता को हम पुस्तक मान सकते हैं क्या? बहुत से लोग ये समझते हैं पुस्तक है, तो ये पुस्तक नहीं है। पहली बात तो इसको पुस्तक अगर समझते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। मैं भी पहले इसको पुस्तक समझता था। 1993 में मेरे को एक प्रकाशक ने कहा कि आप गीता की व्याख्या लिख दोगे क्या, तो मैंने कहा भाई मैं तो गीता पढ़ी भी नहीं है, पढ़ाता भी नहीं हूँ। उसने कहा आप इसके एक एक शब्दों का अर्थ लिख दीजिए और इसका शब्द में अर्थ संस्कृत में शब्दार्थ लिखिए और उनका समास लिखिए और उनका भावार्थ लिखिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसने कहा आप तीन अध्याय लिख दीजिए गीता के पुस्तक के, तो ये विद्यार्थियों के काम में आएगी। तो मैंने भगवत गीता प्रकाशनी व्याख्या लिखी 1993 में। एक साल मुझे लगा उसको लिखने में, तब मुझे लगा कि हम जो व्याख्या लिख रहे हैं, चूँकि गीता प्रेस की व्याख्या सर्वमान्य है, पर गीता प्रेस ने भी ऐसा नहीं किया कि एक शब्द का अर्थ नहीं लिखा उन्होंने, और उन्होंने खाली हिंदी अर्थ किया उन्होंने। तो जब ये व्याख्या लिखी तो पहले लगा एक एक पुस्तक है जैसे रघुवंश कुमार संभव कालिदास, तो वैसा बाद में मुझे लगा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ऐसा समझ रहे हैं। इसको हम भगवत वाणी कहते हैं कि ये भगवान की वाणी है। गीता जो है उसको हम एक ग्रंथ समझते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, ग्रंथ नहीं है गीता। गीता ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि गीता में जो अमोघ शक्ति है, जितने भी दार्शनिक हुए, विचारक हुए, दार्शनिक हुए, नैतिक हुए, सब कह रहे हैं गीता से हमने ये मिला। महात्मा गांधी भी कह रहे हैं, तिलक भी कह रहे हैं, अरविंद भी कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं गीता में ये है कहाँ से मिल रहा है। सबकी व्याख्याएँ अलग हैं। तो गीता की जो व्याख्या कि हम बात जब शुरू करेंगे, और गीता किसका भाग है? महाभारत का। महाभारत जो है, महाभारत को वेदों से बड़ा बताया गया। महाभारत में कहा कि महाभारत शब्द का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा महत्वाच्च भरत्वाच्च महाभारत मुच्यते। एक तरफ चारों वेद रख दीजिए, एक तरफ महाभारत रखिए, वेद हल्के हैं, महाभारत भारी है। महाभारत को ऐसा समझते हम इतिहासकार पढ़ लेते हैं कि भाई बाद में लिखा गया, ऐसा नहीं है। वेदों से बड़ा है महाभारत। तो महाभारत खुद ही कह रहा है कि एक तरफ तुला में तराजू में रख के तोड़ लो, महाभारत भारी है, वेद हल्के हैं। वेद जो हैं वो केवल तीन लोगों के लिए लिखे। मनु कहते हैं कि वेद तीन लोगों के लिए किसके लिए लिखे, तो वो कहते हैं कि द्विजों के लिए लिखे गए वेद। वेदों का व्याख्यान केवल द्विजों के लिए है। वेद एवं द्विजाति नाम निश्चय अस्क्रम परम। द्विजाति का कल्याण करता है वेद, सबका नहीं करता, महाभारत सबका करता है। महाभारत इसलिए महान हो गया कि वेद जो कल्याण करेंगे वो केवल तीन जाति का करेंगे। वेद एव जाति नाम निश्चय यशकरम परम, कि तीन जाति जो है, तीन वर्ण जो है, उन तीन वर्णों के कल्याण के लिए वेद काम करते हैं। पहले तीन ही वर्ण होंगे या उस समय जब वैदिक काल था,
तो सतयुग के अंदर वेद लिखे गए या वेद पढ़े गए, उसमें एक ऐसा काल था उस काल में केवल तीन वर्ण थे समाज में, तीन ही वर्ण थे, सतयुग था, उसको हम सतयुग कहते हैं। तो उस काल में वैदिक साहित्य लिखा गया, तो वो एक युग अलग था। दूसरा जो युग था कि दूसरा स्मृति युग कहलाता है, कि स्मृति युग जो है उसमें लगा कि कुछ बाद की बात जोड़ी गई, मनु से लेकर के 18 स्मृतिकार हुए, उन्होंने स्मृति युग कहलाया, उसे हम त्रेता काल कहते हैं। और फिर द्वापर काल आया, द्वापर काल में हम पुराण काल कहते हैं। और अब जो वर्तमान काल है, इस काल को हमारी परंपरा ये कहती है ये आगम काल है। चार काल हैं शास्त्रों के, पहला वैदिक साहित्य जो है वो सतयुग का साहित्य है, और जो स्मार्त साहित्य है वो त्रेता का साहित्य है, और पुराण साहित्य जो है वो द्वापर का है, और इस समय जो कलयुग चल रहा है इस कलयुग का जो साहित्य होता है वो आगम कहलाता है। गीता किसका ग्रंथ है, वेदों का या चारों का है? तो चूंकि वैदिक ये करेंगे वैदिक ग्रंथ है, वो कहते हैं सर्वोपनिषदों का वह दोग्धा गोपाल नंदन है, कि सभी उपनिषदों का सारिश में है। उनको लगता कि चारों वेद की बात गीता में कही गई है, इसलिए सब उपनिषदों का सारिश में है, ये वैदिक ग्रंथ है। स्मार्त कहते हैं नहीं, ये हमारा ग्रंथ है जी, इसको हम स्मृति प्रस्थान में लिखते हैं, कि स्मृति प्रस्थान क्या गीता है। तो कभी आप इसको वैदिक करें, कभी इसको स्मार्त ग्रंथ कहते हैं। पुराण कहते हैं ये हमारा ग्रंथ है, इतिहास पुराण अभ्यम वेदार्थम उब्रीहेत भेद कल्पस्ताद वेदो मामयम प्रहिष्यति। मनु कहते हैं कि वेद को समझने के लिए इतिहास पुराण की जरूरत पड़ेगी, और ये इतिहास पुराण का ग्रंथ है, तो ये तीनों ग्रंथ है। और खुद गीता कहती है ये तो परंपरा है, इमं विवसते योगम, तो उस योग में वो कहते हैं कि ये सूर्य ने मुझे पढ़ाया। हम जो गीता की बात कर रहे हैं ये आगम की परंपरा है। आगम क्या है, आगम के बारे में काफ़ी भ्रांति है। आगम को लोग कहेंगे बाद का होगा, अभी का होगा, पता नहीं कब लिखे गए आगम। आगम भी उतने ही प्राचीन है जितना वेद प्राचीन है। हम वेदों को जब देखते हैं, इनका विभाजन हमने कैसे किया, ऐतिहासिक विभाजन जब वेदों का किया गया, तो हमने कह लिया कि एक वैदिक काल था, मैं सुंदर ने लिख दिया कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद, और इस तरह से उन्होंने कहा, इस तरह से, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी है। अब समस्या इसमें यह है, इस काल को मानने पर, कि एक व्यक्ति जयपुर में, कांकर साहब आए नहीं है, उनके पिताजी ने एक राष्ट्रवेद किताब लिखी और वो वैदिक भाषा में लिख दी, तो वो ग्रंथ वैदिक काल का है क्या? क्योंकि अगर मैक्समंदर को आप प्रमाण मानेंगे तो वो ग्रंथ भी वैदिक है, क्योंकि उसमें वही वैदिक छंद है, वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसमें लौकिक संस्कृत नहीं है। तो ये जो परंपराओं को हमने माना ये आगे पीछे, इससे बड़ी गड़बड़ हो गई। और हमारी जो परंपरा ये मानती कि हम चार तरह का साहित्य है, और गीता जो है चूँकि महाभारत का भाग है, गीता में खुद भीष्म पर्व में उन्होंने कह दिया कि चार श्लोक उन्हें गीता महात्म्य लिखा कि गीता है क्या, तो उनका सर्वशास्त्रमयी गीता, जितने भी शास्त्र हैं वो सब शास्त्र गीता में आ जाते हैं। गीता भगवान ने कही है जैसे सर्वतीर्थमयी गंगा, गंगा में सब तीर्थ आ जाते हैं, एक भी तीर्थ नहीं, सब तीर्थ गंगा में हैं। और जो सर्वदेवमयी गौ, गाय जो है उसमें चार सब गाय सब देवता हैं, तो गाय में देवता हैं, ये महाभारत भीष्म पर्व में कह रहे हैं। तो कहते हैं ये जो गीता है इसका महात्म्य तो अलग है, क्योंकि ये युद्ध में कही गई और अर्जुन को कहा गया कि तुम लड़ो जा करके, युद्ध करो, इसका जो संदेश था कर्म करो, और यही व्याख्या इसकी होनी चाहिए, कर्म के लिए कहा गया। और आप सब गीता पढ़ रखी है, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं गीता के बारे में, तो गीता में संदेश यही था कि तुम लड़ाई को छोड़ो मत, और तुम्हें लड़ना चाहिए, कर्तव्य के लिए लड़ना चाहिए, और ये कर्मवाद का प्रतिपादन गीता करती है। तो गीता का यही लक्ष्य होना चाहिए था और यही कहा, क्योंकि गीता एक दूसरी गीता मिलती है महाभारत में, उसको अनुगीता कहते हैं। उसमें दोबारा कृष्ण ने प्रश्न उठाया और अर्जुन ने उठाया कि कृष्ण जा रहे हैं द्वारिका, अर्जुन कह रहा कि वो गीता दोबारा सुनाइए पहले वाली, उस समय लड़ाई थी, युद्ध का पूर्व भाग में सुनी थी, अब मैं शांति से बैठा हूँ, मैं गीता सुनना चाहता हूँ, और आप जा रहे हैं द्वारिका, तो एक बार गीता पर चर्चा करें अपने दोबारा। तो कृष्ण कहते हैं देखो दुर्मेधासी पांडव है, कि हे पांडव तुम मूर्ख हो, तुम भूल सके हो गीता को? बोले हाँ था, मैं भूल गया गीता, मैं हो गीता भूल गया, लड़ाई के पहले की थी, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, वो गीता मैं भी नहीं बोल सकता हूँ इसमें, वो उस समय मैंने नहीं थोड़ी बोली थी, वो गीता मैंने नहीं बोली, मैंने ऐश्वर्य भाव में इसका वर्णन किया था, उस समय मैं ईश्वर था, मैं मनुष्य रूप में नहीं था, और मैंने ऐश्वर्य भाव में तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं वो समुच्चय ज्ञान को मैंने इकट्ठा कर दे दिया, अब वो गीता मैं भी नहीं बता सकता तुमको, तुम भूल गए तो गलती में हो। तो फिर वो कहते हैं अब तुमको मैं दूसरी गीता सुनाता हूँ, उसे अनुगीता कहते हैं, 36 अध्याय हैं उसमें, 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं, और उसमें उन्होंने वेदांत का ही प्रतिपादन किया, उसमें सांख्य और योग और ये सब नहीं है, उसमें सीधा ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर ले गए उसको, और उसमें कर्म त्याग की बात कही, वो बातें अलग है, वो अलग है, वो गीता का प्रश्न बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमें इसी गीता की बात करनी है। तो ये जो
गीता हुई। अब इस गीता की जो शंकराचार्य ने ऐसे मैंने महाभारत में पुस्तक देख रहे में 94 गीताएं हैं, वो अलग अलग गीताएं हैं, क्योंकि गीता शब्द भगवत गीता से लिखा है, भगवत गीता उपनिषत्सु, अंत में पुष्पिका है उसमें लिखा कि भगवत गीतोपनिषत्सु, कि उपनिषद शब्द का ही गीता विशेषण है, विशेष जो उपनिषद है, विशेष उपनिषद है, और भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई, इसलिए इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग है, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है। तो भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई हुई का अर्थ यह कि बहुत बार ये कही गई है, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, इसके जो वाक्य हैं वो सब आपको महाभारत में जगह जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं, वो वेदों में मिलेंगे, आप इसके मंत्र मिलाएंगे, कठोर निषेध में मंत्र मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, ये मंत्र उसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि गीता एक तरह का संकलन है, गीता कृष्ण के द्वारा संकलित है, न कि वो उसके द्वारा रचित है, भगवान ने समूचा सार आपको दे दिया इकट्ठा करके, ऐसा नहीं कि लोग कहें कि ये गीता भगवान ने उस दिन पैदा की थी, गीता पैदा नहीं हुई, वो पुराना जो हमारा अमर ज्ञान है, नित्य ज्ञान है, उस ज्ञान को उन्होंने इकट्ठा किया कृष्ण ने, और वो सब बातें आपको मिल सकती हैं, उनका स्रोत देखेंगे तो वेदों में, पुराणों में, जगह जगह वो श्लोक किसी न किसी रूप में फिर मिल जाते हैं। इसका मतलब जो गाई गई का अर्थ है कि बार बार कहा गया, एक लाइन को हम बार बार कहते रहते हैं, वैसे इसको बार बार कहा गया, तो भगवद्गीता तो वो हमारा वो दिव्य ज्ञान है, तो इसे हम दिव्य ग्रंथ कहते हैं कि ग्रंथ दिव्य है, जब विश्वरूप दर्शन में कहते हैं ये दिव्य ग्रंथ है, ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसको अगर कोई सामान्य ग्रंथ समझता समझते रहे उसको वैसी दृष्टि मिलेगी, जो जिस दृष्टि से मुझे देखता है मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूँ, भगवान कहते हैं साफ साफ उसमें कि जिसने मुझे जिस दृष्टि से देखा, चार्वाक अगर पढ़ता गीता तो उसको भी कोई दृष्टि मिलती है, तार्किक देखता है उसको भी दृष्टि मिलती है, कर्मठ देखता है तो उसको भी गीता रास्ता देती है, और इसमें परेशान देखता है उसकी परेशानी का भी समाधान गीता करती है, ऐसा ऐसा अनुभव होता है। मैंने भी अनुभव किया कि गीता में सभी रास्ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, भविष्य में जो समस्या होंगी उनका भी गीता समाधान कर जाएगी, वही श्लोक रहेंगे और उनका अर्थ आपको दूसरा दिखने लग जाएगा, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हम शुरू होते हैं तो धर्म क्या है इस पर आप देखेंगे तो बहुत अर्थ निकलेगा, क्षेत्र क्या है कि खेत को कहते हैं, स्थान को कहते हैं, तो धर्म क्षेत्र, और लास्ट में गीता में मतिर्मम है कि धर्म में ही मेरी मति है, धर्म क्षेत्र में मेरी मति है, गीता का मतलब प्रत्याहार बनता है, तो धर्म क्या है और क्षेत्र क्या है, तो इसके पीछे बड़ी कथा है, पुराणों में कहा है कि राजा कुरु ने एक बार भगवान से कहा कि मुझे धर्म की खेती करनी है, मैं धर्म की खेती करना चाहता हूँ, मुझे बीज चाहिए, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, धर्म की खेती करनी है, बोले खेती करनी चाहिए, बीज चाहिए, बोले बहुत मुश्किल है, बोले आप दीजिए मुश्किल देखेंगे, मैं इस क्षेत्र में खेती कर दूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने चक्कर चलाया और उसी के हाथ काट दिए, बोले यही बीज है इसका, तुम्हारे दोनों हाथ में काट देता हूँ, अब जो खून निकलेगा उसी पर बीज लो, यही तुम्हारी खेती है, ये धर्म का बीज है। तो उस राजा कुरु ने, जिसके नाम पर कुरु वंश चलता है, उसने पूरा वो अपना खून जो है पूरा खून उसमें खेती में बीज के रूप में सिंचाई की, इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो धर्म क्षेत्र जो था इस पर पाणे ने, पीबी काणे ने बहुत लिखा कि ये क्या है कुरुक्षेत्र, क्या चीज़ है, इस पर अब चलेंगे तो एक जिंदगी ले जाएगी, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो वो कहते हैं कि काणे लिखते हैं कि सृष्टि तो यहीं से हुई है, ब्रह्मा जी जब हमारी सृष्टि होती है तो कुरुक्षेत्र से हुई सृष्टि, और उसका उत्तर और दो भाग हैं, एक भाग तो पूर्व भाग, एक पश्चिम भाग, मध्य भाग कुरुक्षेत्र है जहाँ से हमारी सृष्टि होती है, ब्रह्मा वहीं आते हैं, वहीं ब्रह्मा और सावित्री वहीं से आए हैं, और पुष्कर में गए, पुष्कर की महिमा और प्रयाग में यज्ञ किया, तो ये तीन वेदियाँ कहलाती हैं जहाँ सबसे पहले यज्ञ हुआ और यहीं से परमेश्वर ने सृष्टि का सूत्रपात किया। मनु कहते हैं सरस्वती दृषद्वत्यो देव नद्यो युदंतरम, कि दो नदियाँ हैं सरस्वती और दृषद्वती, सरस्वती नदी और दृषद्वती नदी, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है यही ब्रह्मावर्त देश है, उनका ब्रह्मावर्त या ब्रह्मर्षि देश, आर्यावर्त, ऐसा मनु स्मृति के दूसरे अध्याय में उन्होंने विभाजन किया कि इस देश में क्या है, ये धर्म का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रह्मा या मनुष्य की मानवीय सृष्टि का उदय यहीं से हुआ, आप इसको कुरुक्षेत्र को सामान्य नहीं समझें, इसके पीछे बहुत गहन है, और उसी का जो श्लोक मनुस्मृति का एक बड़ा श्लोक है, बड़ा लोग कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्धजन्मनः स्वंसं चरितं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्व मानवा, कि इस कुरुक्षेत्र के लोग, उसमें भारत के लिए नहीं है श्लोक, वो कि इस ब्रह्मर्षि ब्रह्मावर्त देश के अंदर जो लोग हुए हैं ऋषि लोग, उन ऋषियों ने पूरे विश्व को चरित्र की शिक्षा दी है। पाणिनि अपने कात्यायन और पतंजलि लिखते हैं कि संस्कृत भाषा किसकी है, तो उनका शिष्टों की, शिष्ट क्या होते हैं, तो कहते हैं शिष्ट वही होते हैं जो कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण, जो अलोलुप ब्राह्मण हैं,
वो ब्राह्मण कभी लोभ नहीं करते उस क्षेत्र के ब्राह्मण, वो एक ऐसा देश था कि जहाँ बड़े बड़े युद्ध हुए, वो देश का महिमा ही अलग है। तो अब इन गीता की जब हम बात करें, उसके स्थान की बात करें, वो अयोध्या मथुरा माया में नहीं पढ़ी गई, वो पढ़ी गई कुरुक्षेत्र में, उसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र की जो व्याख्या करेंगे तो पुराणों ने उसमें बहुत लिखा है, कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा, सरस्वती दृशतवती नदी के बारे में लिखा, और हमारी मानवीय सभ्यता या इस युग की जो सभ्यता उसका वहीं से शुरुआत होती है। कृष्ण उसमें वक्ता हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और अर्जुन उनको सुन रहे हैं। अर्जुन जो है उसको, अर्जुन के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये भी मैं हूँ, धनुर्धर हैं उन धनुर्धरों में मैं अर्जुन हूँ, कि धनुर्धर जितने भी हैं उनमें मैं अर्जुन रूप हूँ, और अर्जुन वहाँ प्रश्न कर रहा है और कृष्ण उसका समाधान कर रहे हैं। इस गीता में जो समाधान किए गए जितने भी प्रश्न हैं, वो प्रश्न किस तरह के प्रश्न हैं, तो अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो नैतिक प्रश्न है, आचरण के प्रश्न है। कुरुक्षेत्र इसीलिए प्रसिद्ध था कि इस देश के लोग चरित्र की शिक्षा दिया करते थे। एतद् देश प्रसुद्धस्य सकाशात् धर्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। मनु भी कहते हैं कि देखिए वैदिक काल में क्या होता था कि ऋत अमृत प्रमृत चार तरह की, पांच तरह की जीविका होती थी ब्राह्मणों की। तो एक ऋत वृत्ति, एक ऋत, एक अमृत, एक अनृत, एक सत्यानृत और एक मृत। तो उनका पांच तरह के तरह से आप जीवन चला सकते हैं इस भूलोक पर। तो पहली जो वृत्ति है ऋत वृत्ति है। ऋत वृत्ति का अर्थ उन्होंने, मनु ने कहा कि ऋत वृत्ति क्या होगी, कि ऋत वृत्ति में जैसे द्विज कहते हैं ना, द्विज का अर्थ पक्षी, जैसे पक्षी दो बार जन्म लेता है अंडे से, तो द्विज लोग क्या करते थे कि इतना ही धन इकट्ठा करें जितना एक पक्षी करता हो। पक्षी कितना धन इकट्ठा करता है, सुबह उठता है खाम के शाम को वापस आता है, इससे अधिक नहीं ले सकता, उसको द्विज कहते हैं। द्विज का धन इतना ही होना चाहिए कि जितना वो एक दिन का भोजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि ब्राह्मण कुरुक्षेत्र का ब्राह्मण इससे अगर ज़्यादा अन्न इकट्ठा कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं, वो चोर हो। उन्होंने कहा कि अगर उस ब्राह्मण ने एक घड़ा धन इकट्ठा कर लिया, एक घड़ा अन्न, तो ब्राह्मण नहीं रहो, ब्राह्मण खत्म। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि अलौलुक ब्राह्मण थे उसके, कि वहाँ का जो नियम था कि आप द्विज की तरह रहिए। ये पहली वृत्ति ऋत वृत्ति, इसमें केवल एक एक कण का भोजन करना है। कणाद ऋषि जैसे कहते हैं कि एक कण का भोजन करना है, तो कणाद वृत्ति उन्होंने कही कि ये ऋत कहलाता है। अमृत कहा कि अमृतम सात अयाचितम। मनु कहते हैं कि अमृत वो है कि जो बिना मांगे ही बरस जाए, जो मिल जाए तो खा लें, नहीं तो नहीं खाएंगे। हम बैठे हैं, कोई दे जाएगा भोजन, खाएंगे तो नहीं जाएंगे, हमें भूखे बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अमृत वृत्ति है। तीसरी वृत्ति उन्होंने कहा मृत, कि जो लोग मांग के खाते हैं वो मरे हुए लोग हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है, तो अमृत वृत्ति। चौथी वृत्ति उन्होंने कहा कि लोग व्यापार करते हैं, वो सत्यानृत कहा। पाँचवीं वृत्ति उन्होंने कहा खेती करना, खेती करना का ये महापाप है। उनका खेती करना जो है वो महापाप की श्रेणी में माना, क्योंकि उसमें हिंसा होती है, जीव हिंसा होती है, हल चलाते हैं, और एक किसान को काफ़ी हत्याएं करनी पड़ती है जीने के लिए। वो वैसे ही जीवन जी ले जैसा प्रकृति दे रही है, वैसा नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने कहा कि कृषि कर्म जो है वो दारुण कर्म है, और खेती करना जो है प्रमृत वृत्ति है। और कहा कि इसके बाद में एक ही वृत्ति बीतती है कि नौकरी कर लो, उसको उन्होंने स्ववृत्ति कहा। क्यों स्ववृत्ति है, कुत्ते की वृत्ति है कि जो जिसके पीछे हम पूछ लाते रहें पर हम नौकरी करते रहें। तो मनु ये कह रहे हैं कि इस देश की जो शिक्षा थी, हम जिस वैदिक संस्कृति कहें इसको, या हमारी भारतीय संस्कृति कहें, जिसके चार आयाम मैंने कहे, एक आगमिक मार्ग है, एक वैदिक मार्ग है, एक पौराणिक और एक समर्थ मार्ग है, इन चारों मार्ग से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा की व्याख्या गीता करती है। गीता ने उसी की व्याख्या की, गीता किसी एक ग्रंथ नहीं है। चूँकि महाभारत में उन्होंने कहा कि महाभारत की महानता इसलिए भी है कि महाभारत और गीता में ये बात आप देखेंगे कि गीता स्त्रियों की बात भी करती है, शूद्रों की बात करती है, भेद नहीं करती उनमें, वो ऐसा भेद नहीं है उसमें। जब वो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिन, कि सब बराबर हैं, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण बैठा है उसमें भी वही प्रभु है, गाय बैठी है उसमें भी प्रभु है, हाथी में भी वही प्रभु है, और एक कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल उसमें भी वही है, सुनी चे कुत्ते में भी वही है, और उसका मांस खाने वाला स्वपाक्य च पंडित आश्रम दर्शन, सब में एक ही ब्रह्म विद्यमान है, कोई भेद ही नहीं है। तो ये तो अभेद दृष्टि जो भेदों में ईर्ष्यावाच्यम से आती है कि कह मोह है कह शोक है एकत्व मनुपश्यत है, कि क्या मोह है क्या शोक, सब में एक है, सब एक उस ब्रह्म का ही खेल है, ब्रह्म की ही माया है। ये जो दृष्टि आती है ये गीता ले आती है, इसलिए कहाँ भेद है, कैसा भेद, कैसा कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये किसके लिए है, गीता का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण शंकराचार्य ने कर दिया कि गीता मोक्ष के लिए ले जा रही है।
जब शंकर भाष्य लिखा गया और शंकराचार्य ने घोषणा कर दी कि गीता मोक्ष के लिए लिखी गई है, क्यों लिखी गई है कि मोक्ष में ज्ञान का मार्ग, और उन्होंने साफ ही कह दिया जब शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में तो शंकर कहते हैं कि भाई ये तो सीधा सीधा मामला है कि हम मोक्ष के लिए इसको पढ़ रहे हैं, हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं, हम मोक्ष के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। रिते बुद्धो न कैवल्यम, ऐसा उन्होंने लिखा है कि बिना बुद्धि बिना ज्ञान के कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम ज्ञान के लिए इसको पढ़ रहे हैं। ज्ञान हमें निवृत्ति की ओर ले जाएगा संसार से, कोई बात नहीं, हम निवृत्त होना चाहते हैं संसार से, संसार से हम दुखी हैं, संसारानल तप्त हैं, संसार की अग्नि से तप्त हैं, इसलिए हम जा रहे हैं ज्ञान मार्ग की ओर, और ज्ञान मार्ग के लिए गीता ग्रंथ है और ये ज्ञानियों का ग्रंथ है। उसमें कर्म की बात तो वो उसने कहा कि कर्म कोई इसमें कोई खास नहीं है, कर्म तो केवल इतनी सहायता कर सकता है आपकी कि उस ज्ञान के जगत तक पहुँच जाएँ, आपको जहाँ ज्ञान प्राप्त करना हो कर्म केवल इतनी सहायता कर सकता है कि आपको वहाँ ले जाए, ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, ज्ञान में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे गीता का संदेश ज्ञान मार्ग है और अद्वैत मार्ग है कि अद्वैत की बात गीता करती है, और उन्होंने जितने भी गीता में मंत्र थे उन सब मंत्रों का अर्थ में ये बात जानबूझ के लिखी, ये सब अद्वैत परक हैं, कि सब मंत्र अद्वैत परक हैं और सबका अर्थ एक ही है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, और संसार जो है वो माया है, संसार माया है, संसार की व्यवहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता केवल ज्ञान की ही होती है, ज्ञान हमेशा अमर रहेगा, बाकी कुछ अमर रहने वाला नहीं है, और ज्ञान जो है वही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के अलावा और किसी तरह से एकता हो ही नहीं सकती, और ब्रह्म के जितने भी रूप दिख रहे हैं वो सब विवर्त हैं, वो वास्तविक नहीं है, वो प्रतिभाषित हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की, और शंकराचार्य ने दो गीताओं पर भाष्य लिखा, शंकराचार्य ने दूसरी जो गीता थी सनसुजात पर भाष्य लिखा, उसमें उन्होंने आत्मा की अमरता को सिद्ध किया, तो शंकराचार्य ने दो गीताओं को लिखा। इनके जो गुरु परंपरा में गौड़पाद जी थे उन्होंने उत्तर गीता का भाष्य लिखा, उत्तर गीता में 3 अध्याय हैं, वो एक अलग ग्रंथ है और कहाँ से ये पता नहीं, पर उस पर गौड़पाद की टीका है, और उन्होंने उसमें कृष्ण अर्जुन की बात है, वो 3 अध्याय में उन्होंने उत्तर गीता पर गौड़पाद का भाष्य मिलता है। तो शंकराचार्य ने इसका भाष्य लिखा, और भाष्य लिखने के बाद में काफ़ी भूचाल हो गया कि ये शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, खाली ज्ञान ही से मुक्ति है, कर्मवाद की कोई जगह नहीं। मीमांसक ये कह रहे थे कर्म और सांख्य और योग सब जितने भी दार्शनिक थे उनको लगा कि ये व्याख्या कैसे संगत होगी, संसार में अधिकतर लोग क्या सन्यासी हैं क्या, या निवृत्ति मार्गी हैं, सब कुछ बाबा जी हैं क्या इसमें सब, तो अधिकतर लोग कर्मवादी हैं और कर्म की मार्ग का क्या होगा, कामियों हो ये कर्म वेदाधिगम कर्म योग वेदिका मनु की जब घोषणा थी कर्म करो कर्म से सब कुछ होगा, वो कर्म मार्ग का इसमें इसको इसने हीन बता दिया शंकराचार्य ने कि कर्म मार्ग करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर इस पर विवाद उठना ही था। बाकी लोगों ने इसमें सोचा कि एक तो कर्म की इन्होंने बात हटा दी, दूसरी बात भक्ति को भी शंकराचार्य ने महत्व नहीं दिया, और भक्ति की बात भी इसमें गीता में से हट गई, खाली ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति होगी तो सब संसार में निवृत्ति फैल जाएगी, कोई कुछ करेगा ही नहीं कि ज्ञान कर लो बस, तो ज्ञान हो जाएगा तो आपको मुक्ति है, इस जन्म में मुक्ति, अगले मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्ति वेदांत का उनका घोष था कि जीवन में मुक्ति है, जिस दिन ज्ञान हो गया, जब भेद अभेद का ज्ञान हो गया, संसार एक है, तो सब मुक्त हो गए। इस तरह से शंकराचार्य ने इसकी जो व्याख्या प्रस्तुत कर दी, उसके बाद में जो भूचाल आया, सभी लोगों ने अध्ययन किया कि शंकराचार्य जो कह गए इसमें क्या गलत है क्या सही, देखना पड़ेगा शंकर की बात सही मानी जाए या नहीं मानी जाए। तो फिर एक परंपराएं जो पुरानी परंपराएं थी, एक वैष्णव परंपरा आती है, वैष्णवों ने इसके साहित्य का आलोड़न किया, और उन्होंने इतना ब्रह्मसूत्र पर नहीं लिखा और उपनिषदों पर इतनी विचार नहीं किया, पर गीता पर सभी ने विचार करना शुरू कर दिया कि गीता जो कह रही है, और ये गीता चूंकि हमारा ईश्वर कह रहा है, सगुण ईश्वर कह रहा है, उसके बारे में ये कह रहे हैं ये तो शंकर कि ये तो अद्वैत परक है और सब कुछ ब्रह्ममय है, निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जा रहा है, और हमारा सगुण ब्रह्म है, तो हमारी जो उपासना हमारी परंपरा हम लाखों वर्षों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आगम परंपरा से हम पूजा कर रहे हैं पांचरात्र ग्रंथ, तो ये विचार किया गया कि जो महाभारत है उससे पहले भी कोई दर्शन होगा तो उसे पांचरात्र दर्शन मानते हैं कि पांचरात्र महाभारत से प्राचीन है, और पांचरात्र की परंपरा में भागवत परंपरा कराती थी, वहाँ भगवान की पूजा होती थी, पाणिनी और उनके प्रयोग में लिखता कि भगवान की मूर्ति है, और वो भगवान भागवत संप्रदाय उनका माना गया कि पांचरात्र संप्रदाय का संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय बहुत प्राचीन था, तो उनके लोग आचार्यों को लगा, दक्षिण के आचार्यों को लगा कि हमारी परंपरा पर आक्षेप हो रहा है, तो उन्होंने इसके लिए खंडन लिखना शुरू किया। रामानुज आचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत लिखा कि भी विशिष्ट अद्वैत है कि अद्वैत है पर द्वैत भी है, ऐसा नहीं है, संसार भी है, और हमें तो ब्रह्म से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें निर्गुण से नहीं, हम सगुण से
बातचीत करनी है, इसलिए हमारे लिए तो भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भक्ति की बात शंकर के मत में नहीं आती है, शंकर ने जो लिखा है उसमें भक्ति की बात नहीं है। और हम भक्ति कहते हैं, गीता का उद्देश्य तो भक्ति है उनके हिसाब से, कि भक्ति है। जब कहते हैं कि गीता का क्या होगा सारांश, गीता को अगर एक श्लोक में कहें तो क्या होगा, तो कहते हैं सर्वान् धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो आम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुत, कि मेरी शरण में आ जाओ। शरणागति और परिपत्ति उनके दो मुख्य बातें हैं वैष्णव वेदांतियों की, तो भगवान की शरण में आ जाओ और भगवान में शरण में आने पर आपको मुक्त कर देंगे। भगवान खुद खुद करें हम तो आम स्वरूप पापेभ्यो, और तुम सब धर्मों को छोड़ के आ जाओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो आम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुत। ये बात वो करें, भक्ति की बात है, इस बात का खंडन हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस पर भाष्य लिखे कि शंकर के भाष्य से हम सहमत नहीं हैं, और हमें लग रहा है कि शंकराचार्य की व्याख्या स्वीकार्य नहीं होगी। और उपासना का मार्ग, कर्म का मार्ग उतना ही प्राचीन है जितना ज्ञान का मार्ग है, और ये उससे किसी तरह कम नहीं है, और हमें इसी से काम सजाएगा। हमें उस ज्ञान की जरूरत नहीं, जो आप मुक्ति देने वाला ज्ञान आप नहीं रखें, हमें उनका कि मुक्ति जो है वो भक्ति की किंकरी है, वो दासी है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुक्ति? सब बोलो मुक्ति उसे चाहिए तो दुख मान रहा हो, हम संसार को दुखी नहीं मान रहे। दार्शनिकों ने मान लिया कि संसार में दुख है दुख है दुख है, बुद्ध ने मान लिया, नास्तिक लोग मानते हैं दुख, हम तो नहीं मान रहे दुख, संसार में तो आनंद है, मजे रहेंगे, हम मरते समझते रहेंगे, इस संसार को हम त्यागने की बात क्यों करें? तो हम क्या करें? तो उनका हम युक्ति करें, किससे युक्ति करें? भगवान से जुड़ें। हम तो भगवान वैकुंठ लोग जाना, हमें तो पूजन करनी है। तो पाँच तरह की मुक्ति की बात कर करके, और रामानुजाचार्य ने इसमें गीता की अलग व्याख्या लिख दी, और उनका कि गीता भगवती की भक्ति की ओर ले जा रही है, इसमें वो बात नहीं है जो शंकराचार्य करें, हमारा इससे बेमत्य है। इसके बाद में और भी आचार्य हुए, वल्लभ आचार्य जी हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति की बात की इसमें, और दूसरे आचार्य हुए, गौड़ीय मत जो था, उस गौड़ीय मत में, गौड़ीय मत की जो व्याख्या हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो द्वैतवादी हैं, हम अद्वैत ही नहीं मान रहे, हम तो द्वैत मानते हैं, संसार में अद्वैत नहीं द्वैत है, हम द्वैतवादी हैं और हम भेद मानते हैं संसार में, तो इसलिए हम इस बात को कैसे मानेंगे? क्योंकि भक्ति में एक भगवान होगा और एक भक्त होगा, और उन दोनों में भेद होगा, भेद के बिना भक्ति नहीं हो सकती, मैं मेरी भक्ति कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए अंतर पड़ेगा कि मेरा उपास्य अलग होगा, उपासक अलग होगा, तो दो दृष्टियाँ आएंगी, तो एक भक्त होगा एक भक्त, हम कभी भगवान भी नहीं बन सकते। ये भी कहना गलत है कि हम जीव और ब्रह्म केवलम, जीव एक के बाद जो शंकराचार्य का था वो कहे कभी जीव ब्रह्म बनेगा ही नहीं, जीव उसके नीचे ही रहेगा, उस लोक को जाएगा, उसके समीप जाएगा, उसके जैसा हो जाएगा, पर कभी भी कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? तो क्या कहता है, वो खाली युक्त हो सकता है, वो उपासना के द्वारा उसे जुड़ सकता है, उसका प्रिय हो सकता है, उसका दास बन सकता है, उसका सेवक बन सकता है, उसका उपासक बन सकता है, पर मुक्ति हमें चाहिए भी नहीं। आप अपनी मुक्ति रखिए, क्योंकि जो आप जिसको ज्ञान कहते हो, उस ज्ञान, सभी ज्ञानी जो हैं वो संसार में भले ही अपना दावा करें हम ज्ञानी हैं, पर वो ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि संसार में रहते हुए संसार का त्याग नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है, संसार को मिथ्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिस संसार में हम रह रहे हैं वो नित्य संसार है, उसको कैसे इन्होंने नित्य को अनित्य कह दिया, और स्वप्न कह दिया कि स्वप्न है संसार तो माया है, ये कैसा कहा शंकराचार्य ने, एक अलग संप्रदाय चल गया। तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने अलग व्याख्या की, और उन्होंने भक्ति पर ग्रंथ लिखे। इसी तरह चार पांच मत वैष्णव हैं, चार वैष्णव मत हैं, और वो चार वैष्णव जो हैं वो चार तरह की बात कर देते हैं, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, निम्बार्क का राधा सर्वेश्वर जी, तो इनका भी एक दर्शन था, और उन सब ने शंकराचार्य के मत की परीक्षा और समीक्षा शुरू कर दी। एक मत और था जो शाक्त मत था, शाक्त मत जो था उन्होंने कहा कि हम लोग भी जगत को नित्य मानते हैं और हम शक्ति को प्रधान मानते हैं, हम माया की जगह हम महामाया मानते हैं कि एक महामाया है और वो महामाया सब कुछ चला रही है। तो एक शाक्त मत, ये भी वैदिक मत था और ये भी आगम का मत था। तो शाक्तागम जो थे शैव दर्शन के आगम, उनका मत अलग था, तो उन्होंने भी शंकराचार्य के मत से, जिस कश्मीर शैव में जाएंगे तो वो भी इसका विरोध करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, ये सत्य को हम नहीं मानेंगे। बाद में तिलक ने कहा कि मैं कर्मवादी हूँ और मैं मानता हूँ शंकराचार्य गलत कह गए और हमें कहना चाहिए कर्म करो। तिलक ने अपने तिलक राष्ट्र में लिखा कर्म करो, हमारी बात सीधी कर्म करो और हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। और गीता इसी का उपदेश करती है, ये निवृत्ति की ओर नहीं ले जा रही, संसार छोड़ने की ओर नहीं जा रही। तो तिलक की व्याख्या इस तरह की व्याख्या हुई, तो उसे कर्मवादी व्याख्या कहते हैं, एक भक्तिवादी व्याख्या हो गई, एक कर्मवादी व्याख्या हो गई। इसी तरह व्याख्याएं बहुत सी हुई,
ओझा जी की व्याख्या भी विज्ञान वास्य अलग है, तो गीता का विज्ञान वास्य वो अलग बात कहेगा, उसमें सृष्टि विज्ञान ढूंढ रहा है, तो कोई कुछ भी ढूंढ ले, ये दिव्य ग्रंथ है, इसमें जो ढूंढोगे जिस बुद्धि से ढूंढोगे वही चीज़ में प्रकट होने लगेगी। आप नास्तिकता देखोगे तो उसमें नास्तिकता मिलेगी, आप तार्किकता देखोगे तो उसमें तार्किकता भी मिलेगी। हमारे दार्शनिक हुए और चारवाकी, तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ देखें कि गीता में क्या गलतियाँ हैं, कृष्ण के तर्क कितने कमज़ोर हैं, कुछ तो पकड़ें कहीं ना कहीं। तो उन्होंने 2-3 तर्क पकड़े। हरिमोहन झा उनका नाम था, प्रोफेसर हरिमोहन झा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 समझ में नहीं आए कृष्ण के तर्क। हतोवा प्राप्स्यते स्वर्गम जित्वा वाल सेम ही तस्मात् युधिष्ठिर कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब वो कह रहे हैं कृष्ण दो ही स्थिति है, युद्ध में लड़ो तो तुम्हारे को स्वर्ग मिल जाएगा, जीत जाओगे स्वर्ग मिलेगा, मरोगे स्वर्ग मिलेगा, मरोगे स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे राज्य मिलेगा। दो स्थिति हो सकती है युद्ध की, युद्ध इसलिए करना है कि हतो अगर मारे गए तो सीधा स्वर्ग, क्योंकि जो युद्ध में मरता है उसके लिए सूर्य मंडल के रास्ते खुल जाते हैं। द्वाविमो पुरुष व्याघ्र नर सूर्य मंडल भेदिनो परिवराट योग युक्त यस्त रणे चाभिमुखी होता है, कि रण में मरने वाला व्यक्ति सूर्य मंडल का भेदन करता हुआ चला जाता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति माना गया युद्ध में बलिदान होना। तो अगर मर गए सीधा स्वर्ग है और जीत गए तो राज्य है। तो उन्होंने कहा इसमें एक विसंगति मुझे में नजर आई, एक तीसरी गति और है जो कृष्ण बता नहीं रहे, इसमें छल का प्रयोग है। तीसरी गति क्या है कि मान लीजिए लड़ाई लड़ी और शत्रु ने कैद कर लिया और जेल में बैठा दिया, तो वो स्वर्ग में है तो नहीं है, तो स्वर्ग में तो गया ही नहीं क्योंकि वो जेल में है और स्वराज्य भी नहीं मिला, तो ये कृष्ण क्यों नहीं बता रहे। तो ऐसे उन्होंने ढूंढा कि भाई कृष्ण में दूसरा, उन्होंने कहा ये जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु गदासन, इसमें भी उनको लगा कि ये बड़ा विसंगत श्लोक है कि कर्मणि एवाधिकार है, काम में ही अधिकार है फल में नहीं है, तो फल में अधिकार नहीं है तो करेंगे क्यों इस दुनिया में। जब एक तरफ आप ये करें कि प्रयोजन मनुदिश्य न मूढ़ोपि प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख नहीं काम करता, किसान अगर फल नहीं करे चाहेगा तो खेती क्यों करेगा, ये वाक्य कैसा वाक्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु गदासन, उनका ये वाक्य बड़ा जटिल वाक्य है। ये तो उस तरह का वाक्य हो गया कि हमें गृहस्थ अगर ऐसा कहे कि मुझे संतान नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, कार्य करूंगा पर फल नहीं चाहिए, क्योंकि जो संभोग है उसका फल संतान है वो नहीं चाहिए, तो ये तो एक तरह से निरोध का वाक्य का प्रचार कर रहा है कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे इसमें भ्रांति लग रही है कि ये तो भारत सरकार को लिखना चाहिए कि भाई कर्म में अधिकार है फल में तेरा अधिकार नहीं, गीता ही कर रही है इसको। तो उन्होंने इसकी आलोचना की और उन्होंने गीता के, तो उन्होंने गीता की आलोचना की कि गीता में मुझे ये विसंगति लग रही है। सबसे बड़ी विसंगति क्या लगी, बोले साहब मुझे ये लगा कि गीता करी माम मनुस्मर युद्ध से मुझे याद करो लड़, तो लड़ क्यों भाई, दोस्ती करा देते, फैसला करा देते, समझौता करा देते, संधि कराते, ऐसा क्यों नहीं कराया आपने। कृष्ण तो बड़े समझदार ज्ञानी थे, उनको दोनों पार्टियों में बिठा करके अहिंसक गांधीवादी समाधान क्यों नहीं रखा उन्होंने, तो कहा कि वो उन्होंने नहीं रखा, लड़ा दिया, जबरदस्ती ला दिया और युद्ध को जो घृणित है उस घृणित को कार्य को उन्होंने करवा दिया, घोर कर्म करवाया उन्होंने। और इस कारण ही वो कहते हैं ये कृष्ण का वंश भी इसलिए नष्ट हुआ कि कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो गया है कि जो व्यक्ति युद्ध की शिक्षा देता हो, जो व्यक्ति युद्ध की शिक्षा देता हो और सबको समाप्त करवा रहा हो, वो कहता है कि भू का भार कम करना था कृष्ण को, कृष्ण इसीलिए आए थे, उन पले के दिया मैं आया किस लिए हूँ, तो संभवामी युग परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। कृष्ण कह रहे साफ साफ मेरा काम तो यही है, मैं इसीलिए आता हूँ, इसलिए गीता पढ़ रहा हूँ कि मुझे साधुओं को बचाना है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करना है। तो वो जो दुष्ट थे उन दुष्टों को लड़ा लड़ा के उन्होंने खत्म कराया, उनका काम उस समय यही था कि इस समय ये युद्ध ही आवश्यक है। तो क्या इसी कारण कृष्ण का पूरा युद्धवंश लड़के नष्ट हो गया, ये हरिमोहन झा ने ऐसा ढूंढा कि गीता में इसको मैंने ये अध्ययन किया और ये सोच पाया। तो जो व्यक्ति जैसी दृष्टि से गीता को देखता है, गीता सब तरह से तैयार है कि आप जैसी दृष्टि लाएं इसमें। आप आजकल कुछ लोग ऐसा करते हैं पर्यावरण ढूंढते हैं तो पर्यावरण मिल जाता है गीता में, प्रकृति की बात मिल जाती है, संरक्षण की बात मिल जाती है, कुछ लोग मैनेजमेंट भी देखते हैं तो गीता में मैनेजमेंट भी है। एक वकील है तो कहता है कि साहब मुझे वकालत दिखती है इसमें कि एक वकील है कृष्ण, और कृष्ण अर्जुन को इस तरह से समझा देता है कि लास्ट में अपनी बात मनवा लेता है कि भाई तर्कों से। तो उसको वकील को ये दिख रहा है कि इसकी जो व्याख्या होनी चाहिए वो एक तरह से युक्तियां हैं इसमें और युक्तियों का ग्रंथ है। अब ग्रंथ जो है गीता युक्तियों का ग्रंथ है। अब प्रश्न उठता है कि एक बड़े विद्वान हुए गोपीनाथ जी कविराज जी, उन्होंने लिखा कि मुझे समस्या हुई कि ये गीता है किसका ग्रंथ है। ये समस्या आती है कि गीता अद्वैत का ग्रंथ है
या विशिष्टाद्वैत का है, सभी कर रहे हैं, हमारा है, सभी अपनी व्याख्या लिख रहे हैं, तो मेरी समस्या आती है कि इसमें क्या होना चाहिए। और मैं चैतन्य महाप्रभु को देखता हूँ, चलता उसकी बात भी सही है, और शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कुछ कह रहे हैं, और उनके सिद्धांतों में काफ़ी अंतर दिख रहा है। तो क्या शंकराचार्य को ये अंतर पता नहीं था? उन्होंने ये ग्रंथ ऐसा लिखा ही क्यों? तो जैसे बाबा जी का अखाड़ा था, उन्होंने अखाड़ा था कि ये अखाड़ा लिख देते हैं, ये तो लोग पढ़ेंगे नहीं कृष्ण, इसलिए जानबूझ के भगवान कृष्ण ने ऐसा लिखा कि सभी लोग उद्वेलित हो जाएं और अपनी अपनी बात को समझें, नहीं वो सीधी कह देते तो कोई पढ़ता ही नहीं इसको। जैसे महाभारत को कोई पढ़ना नहीं जाएगा, जो सामान्य बात कह दी जाती है इसको कोई पढ़ता नहीं है, पर इसको इस तरीके से कृष्ण ने प्रकट किया कि बाद में इसमें जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो विद्वान हैं, इसमें लगे रहें और उनके अपने प्रश्नों का वो समाधान उसमें ढूंढते रहें और इसका एक रास्ता निकलता रहे। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ, गोपीराज कविराज जी कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि शंकर का अद्वैत सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, जगत की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, वो तो निवृत्ति मार्ग ही है। और अगर मैं जैन दृष्टि से जाऊँ तो भी समस्या आती है, नानात्ववाद में भी दृष्टि समस्या है, द्वैत में भी समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान वो मानते हैं कि चैतन्य ने किया था, कि चैतन्य का जो दर्शन था वो अचिंत्य भेदाभेदवाद वो इसका समाधान करता है। वो कहता है कि ये सभी दर्शनों का समार करता है। ऐसे ही कश्मीर शिविज्म का जो दर्शन था उसको शिवाद्वयवाद कहते हैं, कि सब कुछ एक ही है, अद्वैत की जगह उन्होंने अद्वैत का प्रयोग किया कि ये अद्वैत हम मान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, है तो द्वैत पर उसको मान ले अद्वैत। जैसे मैं मान लूँ कि हम सब एक परिवार के लोग बैठे हैं, एक संस्था के लोग बैठे हैं, हम आपस में एक हैं, तो ऐसे मानने के लिए इसको अद्वैत हो जाता है, पर ये चीज दो नहीं है, हर व्यक्ति दूसरा नहीं है, वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, इस तरह से हम एकता को सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको अद्वैतवाद कहते हैं। तो अब कबीरराज जी का समाधान था कि ये बात तो ये है कि मैंने फिर शंकराचार्य को देखा, ये शंकराचार्य ऐसा क्यों कर गए? तो बोले मुझे पता लगा कि शंकराचार्य तो कई रास्ते रखते थे, जब उनका मैंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ा तो लगा कि ये तो कश्मीर शैव को मानता है, ये तो उसको ही मानता है। उनके जब स्तोत्र पढ़े, अरे स्तोत्र क्यों लिख रहा है अद्वैत वेदांत का आचार्य, स्तोत्र क्यों लिखेगा, वो किसकी भक्ति कर रहा है? एक तो भक्ति की बात नहीं की उसने गीता में, और यहाँ भक्ति के स्तोत्र लिखे जा रहा है। तो इतने स्तोत्र, सौंदर्य लहरी आदि स्तोत्र आदि लिखने का अर्थ क्या था? तो क्या इन स्तोत्रों का जो उन्होंने लिखा, इससे पता है कि शंकर को कि ये भी एक रास्ता है संसार में, जो व्यक्ति जिस रास्ते से जाता है, जो लोग ज्ञान मार्गी हैं उनके लिए भी गीता रास्ता प्रस्तुत कर देती है, जो लोग कर्मवादी हैं उनके लिए भी गीता रास्ता प्रस्तुत कर देती है, जो अज्ञान में डूबे हुए हैं उनके लिए भी गीता एक रास्ता प्रस्तुत करती है। उसको मैनेजमेंट दिखता है कि गीता में मैनेजमेंट है, गीता प्रबंधन का शास्त्र है, तो वो भी उसको ढूंढ लेते हैं। तो गीता सब तरह से, इसलिए इसको हम दिव्य ग्रंथ कहते हैं कि ग्रंथ दिव्य रहा। और इस ग्रंथ में जो सबसे बड़ी बात क्या, तो मधुसूदन सरस्वती जो थे उन्होंने सभी प्रश्नों का सभी का खंडन किया। जिन लोगों ने अद्वैत का खंडन किया उनका खंडन फिर मधुसूदन सरस्वती ने लिखा। मधुसूदन सरस्वती दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखी। अद्वैत सिद्धि जब लिखी उन्होंने, तो उन्होंने न्यायिकों का, मीमांसकों का, बाकी सबका दबाव दिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा कि हम तो कृष्ण के ही भक्त हैं। लास्ट में हमने कहा कि वो तो कहते हैं वंशी विभूषित करान नवनी हृदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम परम तत्व महन जाने। वो कहते हैं कि हमें कृष्ण से ऊपर कोई तत्व मिला ही नहीं है, सब तत्वों से ऊपर तत्व कृष्ण तत्व है, जबकि वो खुद अद्वैत सिद्धि लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं तो लिख रहा हूँ, उन्होंने भक्ति रसायनम किताबें लिखी और कहा कि हम तो अद्वैत भी भक्ति को ही मानता है, ऐसा नहीं है जैसा समझा जा रहा है, या जो आचार्य समझ के हमारा विरोध कर रहे हैं वो मतलब ही नहीं है, हम खुद भक्त हैं और हम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण जो परात्पर ब्रह्म है उस कृष्ण में हमारी भी उतनी निष्ठा है, उतनी भक्ति है, उतनी उपासना है, हम सब कुछ जानबूझ करके हम कर रहे हैं ऐसा। और उन्होंने भक्ति रसायन में ये लिखा कि कृष्ण से ऊपर कोई तत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि तत्वमसी जो वाक्य है यही वेदांत का हमारा आधार वाक्य था। गीता के 18 अध्याय में 6 में तत् की व्याख्या है, 6 में त्वम की और 6 में अशी की व्याख्या है। और ये उन्होंने दावा कर दिया कि जो गीता है वो अद्वैतामत वर्षणी भगवत गीता भवद्वेषणी की गीता जो है अद्वैत की ही व्याख्या करती है। और इस तरह से उन्होंने सबका समन्वय मधुसूदन सरस्वती ने किया। उसके बाद में भी बहुत से आचार्य ने कितना समय के अंदर ना हो गया। तो इस तरह से गीता जो है हमारे रास्ते खोलती है, मार्ग दे रही है, और ये भगवत वाणी है और इसको जो भी इससे जुड़ता है तो उसको अनेक इसमें रास्ते मिलेंगे, आपको समाधान मिलेंगे। गांधी जी कहेंगे कि साहब मैं जब भी कोई समस्या हो गीता खोल लेता हूँ,
और ये मेरी माँ है बता देती है ये कर ले, तो वो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, गांधी जी कहते हैं स गयो नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, तो वो सन्यास की तो बात गांधी जी लाते हैं कि मैं महात्मा क्यों हूँ, तो इसीलिए हूँ कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ, न द्वेष्टि न कांक्षति। सर्वारंभ परित्यागी, मैं कुछ शुरू ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कार्य शुरू नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है उसी को चलने दे रहा हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, अंग्रेजों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजों से मेरा कोई बैर नहीं है, मेरी दुश्मनी अंग्रेजियत से है। तो वो गीता की अर्थ करते हैं कि मैं अंग्रेजों का दुश्मन नहीं हूँ, सभी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हैं करने दो, वह हिंसक हैं हिंसक हैं, उनसे मेरा बैर नहीं है, पर मेरा जो बैर है वो बैर उनकी अंग्रेजियत से है, न कि अंग्रेजों से है। तो इस तरह से गांधी जी ने इसको अलग दृष्टि में देखा, गांधी जी ने इसको अलग दृष्टि में देखा, और गांधी जी कहते हैं कि राजनीतिक बात करती है गीता और हमें सहायता दे रही है, तो हमारी संसार की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्त समस्याओं का समाधान इस गीता में होता है। इसमें समता है, स्वातंत्र है, इसमें स्त्री की बात भी है, और लास्ट में उन्होंने कहा कि ये भक्ति का जो मार्ग है इसको उन्होंने इसलिए सबसे अच्छा माना कि मधुसूदन सरस्वती ने, कि भक्ति जो है उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पापी चे दुराचारी भस्ते माम अनन्य भाग, पापी हो दुराचारी हो पर मेरा भजन कर ले तो उसका सीधा रास्ता हो जाएगा, कि पापी भी चलेगा दुराचारी भी चलेगा। वो कहते हैं स्त्री शूद्र वैश्य और पापी होनी और कुछ वो तो भी हो, कितने से घटिया आदमी हो उसका भी कल्याण करेगा, क्योंकि उस परमात्मा के सब अंश हैं, परमात्मा के लिए भेद नहीं है कि ये मेरा प्रिय या अप्रिय है, वो मनुष्य मात्र के लिए या नहीं जीव मात्र के लिए वो रास्ता है, कि सबके लिए गीता एक रास्ता देती है और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। ये बात वेद और पुराण नहीं कहेंगे कि सब मनुष्य अधिकारी हैं, जिस अर्थ में गीता कहती है, गीता एक रास्ता खोल देती है, इसलिए मैं इस गीता को महान समझता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ मेरे वक्त भी पूरा।